वाराणसी दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ विपिन रावत ने कहा है कि सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। विपिन रावत ने कहा कि आर्मी को अपग्रेड होते हुए टेक्नोलॉजी के हिसाब से हथियार उपलब्ध करवाना उनका मकसद है। सीएजी की रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट में सेना में हथियारों की कमी पर उठ रहे सवालों को एक बार फिर से आर्मी चीफ विपिन रावत ने सिरे से खारिज कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। रावत ने कहा कि हम वेपन्स का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि आर्मी के पास जो हथियार हैं उन्हें बेहतर किया जाए। वहीं कश्मीर में सेना के ऑपरेशन पर आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। वहां आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समस्या का हल रातों रात नहीं हो सकता, सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसियां, राज्य प्रशासन को इसके लिए मिलकर कोशिश करनी होगी। सब कुछ सही तभी होगा जब सही दिशा में काम किया जाएगा। रावत ने अक्टूबर में कश्मीर के चोटी कांड पर कहा था कि ऐसी घटनाओं के बहाने कुछ लोग आर्मी और आम जनता को टारगेट कर रही हैं। ये देश के बाकी शहरों में भी हो चुका है और उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन अब जो यहाँ हुआ वो आतंकियों के फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। आर्मी चीफ ने कहा, सेना को जो टास्क सौंपा जाता है वो उसे बहुत अच्छे से पूरा करती है। पाकिस्तान के लिए राजनीतिक तरीके से फैसले लेने चाहिए। लोगों को रेडिकलाइजेशन कर बरगलाया जा रहा है, ये दुनिया के बाकी हिस्सों में भी होता है, लेकिन हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं।